हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कुकिंग विद बेबी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर। ऐसे तो देखने में शुरू में लगता है कि सब पनीर एक जैसे ही दिखते हैं, एक जैसे ही बनाने में, लेकिन सब में टेस्ट में सब में अंतर होता है कुछ ना कुछ। हम एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में आज बनाएंगे कढ़ाई पनीर, जो बहुत ही डिलीशियस बनता है। वो थोड़ा ही समय लगता है, तो चलिए शुरू करें। दोस्तों, इसका जो मेन सीक्रेट है, इसका मसाला है जो अब हम बनाना शुरू करेंगे। ये मैंने एक पैन गरम किया है। यहाँ पर ये मैंने लिया है 3 चम्मच साबुत धनिया, इससे आधा लेंगे हम जीरा, लगभग 1.5 टीस्पून, और 1 टीस्पून सौंफ हरा वाला, 2 से 3 सफ़ेद इलायची, 2-3 लौंग, और लगभग 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत। इन सबको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे हिलाते हुए 2-3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास साबुत कश्मीरी मिर्च है तो आप वो भी डाल सकते हैं इसको रोस्ट करते समय, वरना तो हम बाद में इसमें पाउडर डालेंगे, उसको पहले नहीं डालेंगे, नहीं तो इसके साथ वो जल जाएगा। अब हमारे मसाले रोस्ट हो चुके हैं, हम इनको मिक्सिंग जार में निकाल लेंगे। अभी हम इस गरम गरम मसाले में ही 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और थोड़ी देर ठंडा होने पर इसको पाउडर बना लेंगे। यहाँ पर मैंने इस कढ़ाई में लगभग 2 से 3 टेबल स्पून तेल लिया है। मैंने सरसों का तेल लिया है, आप जो भी चाहें वो तेल यूज कर सकते हैं। ये मैंने कुछ सब्जियाँ काट ली हैं, ये प्याज मीडियम साइज की 3 जो रफली काट ली हैं, ये अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, और ये मेरे पास 3 बड़े पके हुए टमाटर हैं, और ये कुछ 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे, हल्का सा इसको भूनेंगे लगभग 1 मिनट तक। अब हम इसमें ये अपने कटे हुए टमाटर, अदरक और लहसुन को भी ऐड करेंगे और इसको ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे ताकि ये जल्दी से हमारे टमाटर गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, और एक मुट्ठी भर डालेंगे इसमें काजू। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए, अब हमारे मसाले पक चुके हैं, ये सब टमाटर अच्छे से मसी हो गए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी लेंगे, आप इसकी जगह बटर या तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हम अपने पनीर के क्यूब्स को फ्राई करेंगे हल्का सा। ये मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, क्यूब शेप में इसको काट लिया है, आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं, और इसको हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे उलटते पलटते हुए। देखिए, हमारे पनीर पर गोल्डन कलर आ गया है, ये अच्छे से फ्राई हो गया है। इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, हमने अपना ये रोस्टेड मसाला पीस लिया है, इसको बहुत ज़्यादा एकदम बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा दरदराई रखना है। अभी हम वापस से इस कढ़ाई को गर्म करेंगे। इसमें फिर से 1 टेबल स्पून तेल ऐड करेंगे, ये मैं सरसों का ही तेल यूज़ कर रही हूँ, लेकिन पहले से ये मेरे पास पका हुआ तेल है, तो ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है इसको। यहाँ पर मैंने ये 2 प्याज चौकोर काटी हुई है, इसको ऐड करेंगे इसमें और थोड़ा सा हल्का सा भूनेंगे लगभग 1/2 मिनट तक। इस प्याज को साइड पे करके ये मैं 1 टीस्पून इसमें जीरा ऐड कर रही हूँ, इसको हम पहले भी कर सकते हैं प्याज से, और इसको ऐसे चलाएंगे हल्का सा। अब हम इसमें 1 शिमला मिर्च ऐड करेंगे, बिल्कुल प्याज की तरह इसको भी मैंने चौकोर काट लिया है, और थोड़ी देर पकाएंगे लगभग 1 मिनट तक, मीडियम फ्लेम पे गैस को रखेंगे।
ये हमारी प्याज टमाटर और काजू वाली प्यूरी बनके तैयार है। इसको कोई छानने की आवश्यकता नहीं है या बहुत ज़्यादा बारीक पीसने की, क्योंकि हम कढ़ाई पनीर बना रहे हैं। अगर शाही पनीर बनाते हैं तो उसमें एकदम हमें स्मूथ पेस्ट चाहिए होता है। अब हमारी प्याज और शिमला मिर्च पक चुकी है, इनको हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब हम इसमें अपने रोस्टेड मसाले डालेंगे जिनका पाउडर बनाया था हमने। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हम इसमें अपने टमाटर और प्याज की प्योरी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तीखी नहीं होती और कढ़ाई पनीर थोड़ा स्पाइसी ही बनता है। जैसा आपको मिर्च रखना है वैसा रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब इसको 2-3 मिनट तक भूनने के बाद इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे। मैं ये बाहर से लाई हुई क्रीम ऐड कर रही हूँ, आप इसकी जगह पे मलाई भी फैट भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का सेम ही टेस्ट आता है। और अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे, 1-2 मिनट ऐसे ही चलाते हुए भूनेंगे। और इसमें हम अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं, हमें इसकी क्वांटिटी किस तरह की रखनी है। और हाँ, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा उबला हुआ गर्म ही पानी ऐड करना है, उससे बहुत अच्छा वाला कलर रहता है। अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। अब देखिए हमारी ये सब्जी बनकर लगभग तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे अपने ये पनीर फ्राई किए हुए और बिल्कुल हल्के हाथ से मिलाएंगे। और इसमें अब स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। मैं इसमें लोहरी नमक का यूज कर रही हूँ, आप जो सा भी नमक चाहें यूज कर सकते हैं। अब हमारी सब्जी पककर तैयार है। अब हम इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। ये 2 हरी मिर्ची भी मैं डाल रही हूँ जो मैंने बीच में से चीरा लगा लिया है। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है तो इसको मत डालिए। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें पहले ही काफ़ी रोस्टेड मसाले पड़ चुके हैं तो मैं नहीं डाल रही हूँ। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए और ढककर पकाऊंगी ताकि धनिया का और मिर्ची का भी इसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाए। अब हमारा ये कढ़ाई पनीर बनकर तैयार है। देखिए दिख रहा है कितना डिलीशियस, बहुत ज़्यादा टेस्टी। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर आज ही जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।